सर, 11 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस चालू, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपकी ओर से ये मांग उठ के आ रही थी कि उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो दोस्तों, एक बार फिर आपकी मांग पूरी करने के लिए प्रतिक्रिया अपडेट यूट्यूब चैनल आप सभी के सामने हाजिर हो चुका है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खासी वीडियो लेकर, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले आपके 11th के एडमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सारी चीज़ें हमें भरनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके क्या बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं आ गया हमारे गूगल बाबा पे, और गूगल बाबा पे मैं सर्च करूँगा 11th एडमिशन। हम सर्च कर सकते हैं 11thadmission.org.in या फिर 11th एडमिशन भी सर्च करोगे तो भाई आ जाएगा। यहाँ पे एडमिशन की जो स्पेलिंग है थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, तो उसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। वैसे तो रिजल्ट आ जाता है लेकिन सही कर देते हैं, ठीक है। अब 11thadmission.org.in आ चुका है। अब यह फॉर्म में जो है मैं PC पे भरा, आप चाहे तो आपके मोबाइल फोन पे भी भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चूज रीजन टू अप्लाई, आप जिस भी रीजन में रहते हो, जैसे मुंबई रीजन में, पुणे, नागपुर, नाशिक, अमरावती, जिस भी रीजन में रहते हो उस पर आपको क्या सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर देता। अब इसके बाद आपका आता है एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, लॉगिन क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। आप पहली बार आए हो साइट पे, पहली बार ये साइट का मुखड़ा देखा तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने, अगर आप इससे पहले विजिट कर चुके हो, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, तो आपके पास एक लॉगिन आईडी जनरेट होकर आ गई होगी, तो आपको लॉगिन आईडी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है एप्लीकेंट स्टैंडर्ड एरिया। अब आपका जो स्कूल था, दसवीं जिस भी छात्र ने एग्जाम दिया उसका स्कूल कहाँ पे आता था, MMR एरिया में ही आता था या फिर MMR एरिया के बाहर आता था या फिर महाराष्ट्र स्टेट के बाहर ही था, ठीक है। फिर फ्रेशर आप पहली बार आपने इस वेबसाइट पहली बार आप 11th में जाने वाले हो तो आप फ्रेशर लिखोगे। अगर आप रिपीटर हो, यानी आप 11th में फेल हो चुके हो, वापस आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो आप क्या रिपीटर कहलाओगे। अगर आप प्रीवियसली पास, यानी आपने 2-3 साल पहले के एग्जाम दे दिया था 10वीं का और पास भी हो गया था अच्छे खासे मार्क्स से, लेकिन कुछ कारणवश आपने 11th में एडमिशन ले लिया, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, प्रीवियसली पास सिलेक्ट करोगे। अब आपका जो बोर्ड है SSC CBSE ICSE जो भी आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं SSC कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका बोर्ड का सीट नंबर एंटर करने के लिए, तो आपको यहाँ पे मेरे पास एक है तो मैं वो एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका जो होगा वो आप एंटर करिएगा, किसी और का डाटा एंटर मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बार चेक भी कर लूँगा, A140241, तो ये मेरा क्या है सीट नंबर है, तो जो मुझे यहाँ पे अलाउ मिला है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मुझे मंथ ऑफ एग्जामिनेशन क्या सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कुछ आ रहा नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हाँ एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखो गलती कर दी, मैंने फ्रेशर चूज़ ही नहीं किया, इस वजह से मेरा नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से फॉर्म भरिएगा, जैसे मेरी गलती की फ्रेशर चूज़ नहीं किया था, उस तरह से गलती मत करिएगा। अब यहाँ पे मैं वापस अपना जो फॉर्म है सीट नंबर जो मैं एंटर कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे गेट SSC डाटा पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो नाम आया वो बिल्कुल सही है दोस्तों, और सही है इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर एंटर कर दे रहा हूँ दोस्तों। फिर ईमेल आईडी है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, मेरा फेवरेट जो गेम है दोस्तों वो है, आप डाल सकते हो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं एंग्री बर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मैं भर रहा हूँ दोस्तों सिर्फ आप हम कह सकते हैं कि एक आपको दिखाने के लिए भर रहे हैं, ठीक है। आपको किस तरह से फॉर्म बना उस तरह से भर सकते हैं। अब जो पासवर्ड है मैं भरूंगा, ठीक है, आप अपना पासवर्ड डालिएगा दोस्तों, स्ट्रांग पासवर्ड डालिएगा, किसी को दीजिएगा मत वरना हो गया फिर, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अब इस तरह से क्या, जब आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो, नहीं सेव करना चाहते हो नहीं सेव कर लो, तो इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा दोस्तों। अब इंटरफेस आ गया, अब आपको यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लॉगिन आईडी भी मिल चुकी है। अब लॉगिन आईडी आपको जो मिली है दोस्तों, अब उसको करना क्या, आपको एक अच्छी सी तस्वीर निकाल लो उसकी, या फिर जो लॉगिन आईडी है उसको क्या नोट कर लो, ठीक है, आपके मोबाइल में या फिर अपने किसी दोस्त को या फिर अपने मम्मी पापा को भेज के रख दो ताकि वो मिस ना हो, ठीक है आपसे। तो यहाँ पे मैंने भी क्या किया है, मैंने भी एक फोटो ले ली है इसकी। अब लॉगिन आईडी आने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू लॉगिन पे जाना है दोस्तों। अब प्रोसीड टू लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव किया था तो इस वजह से पासवर्ड डालना पड़ेगा वापस, ठीक है, और साथ ही साथ जो लॉगिन आईडी है वो भी तो डालनी पड़ेगी दोस्तों। और जो मेरी लॉगिन आईडी जो मुझे मेरे इंटरफेस पे दिखी थी वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ठीक है, जो थी मेरी
MU22052004। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूँगा। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स इस वर्ष अपनी एग्जाम दी थी जिन्होंने, वो उन्हें क्या करना है, वो पार्ट वन का ही फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट टू का फॉर्म हो जब उनका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो भर सकते हैं। ठीक है, पार्ट वन के फॉर्म में आपके कुछ बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपको फिलअप करनी रहेगी, और जो स्टूडेंट्स रिपीटर है या फिर वो प्रीवियसली पास किया उन्होंने, तो वो पार्ट टू का फॉर्म भी तुरंत भर सकते हैं, कोई दिक्कत उनमें आएगी नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इन हाउस कोटा एंटर द करेक्ट यूटाइज कोड और इंडेक्स नंबर ऑफ योर स्कूल सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये आपको स्कूल से मिल जाएगा दोस्तों, आपका जो यूटाइज कोड है और इंडेक्स नंबर है। ठीक है, आप जिस भी स्कूल में आपने पढ़ा है उस स्कूल में जाके आप यूटाइज कोड रेंट करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल इंडेक्स नंबर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है सिस्टम में पहले, वैसे तो आ चुका, अगर नहीं आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस डाल दे रहा हूँ, अब यहाँ मैं पिन कोड डालूंगा, ये हमारा एड्रेस है, ये आपका एड्रेस नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमारा एड्रेस मत भर दीजिएगा भरते हैं टाइम। ठीक है, वरना कहीं और ही हो जाओगे आप। मेरे विलेज का नाम यानी मेरे शहर का नाम तो बुईसर है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर 2 वही डालना है हमें, मैं डाल दे रहा हूँ रैंडम नंबर, इस पर फोन मत करना दोस्तों। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप। अब यहाँ पे ओके करना है। अब ओके करने के बाद अब आपकी जो कैटेगरी होगी, शेड्यूल कास्ट, फिर ST, फिर VJA, NTB, NTC, NTD, OBC, SB, EWS, जो भी आपका वो आप कर सकते हो। फिर सिलेक्ट योर क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, तो आपका जो भी क्राइटेरिया होगा, कैटेगरी होगी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है कि आप हैंडीकैप हो, तो आप हैंडीकैप नहीं हो तो आपको नहीं करना है। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू द प्रोजेक्ट और अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड, नो। फिर उसके बाद क्या, हैज एप्लीकेंट पेरेंट बीन ट्रांसफर टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, नो। फिर वेदर द ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगर आप में अगर आपका कुछ यस होगा तो आप यस करिएगा। ठीक है, डज बिलोंग टू सर्विस मैन, नो। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट्स क्राइटेरिया, नो। इफ यू आर फॉलोइंग अंडर द ऑर्फिन एज पर द प्रोविजन, नो। ठीक है, हैव यू ऑप्टेड फॉर द प्री वोकेशनल कोर्सेज ऑफ, नो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कार्ड, हम बिलोंग नहीं करते तो हम इसलिए नो लिखेंगे। डू यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन हाउस कोटा, यस। तो यहाँ पे मैं ये 7 नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपका पेमेंट का प्रोसेस आएगा, तो आपको पेमेंट मोड पे जाना है, प्रोसीड टू पे एडमिशन फॉर्म, और फिर इसको आपको प्रोसीड करना है। अब प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म आएगा दोस्तों, आप एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना है, और इस तरह से फिर आपका क्या पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों।